अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा, अपने खून से लिख दे अपने कामयाबी की कहानी और बोल वो किस्मत से है दम तो मिटा के दिखा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। कल और परसों मैंने दो क्लास आप लोगों को कराया था। पहला क्लास वर्ण का था, जो आपने किया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद आप लोग जाके कर सकते हैं। और कल मैंने कराया था उच्चारण स्थान, व्याकरण का उच्चारण स्थान। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के एग्जाम में, यानी कि आप लोगों का एग्जाम या तो 10th का है या तो 12th का है। आप अगर 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, ऐसा देखा जाए तो 11th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, 23 वाले 11th, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी कि व्याकरण किसी बच्चे के लिए खराबी नहीं करता है, सारे बच्चों को व्याकरण पढ़ना है, चाहे आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में है, 11, 12 किसी भी क्लास में है, आपको व्याकरण एकदम पढ़ना जरूरी है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्लास ये चल रहा है 10th, 11th और 12th वालों के लिए, जिनका एग्जाम 2023 में पड़ा हुआ है, उनको एग्जाम में ध्यान में रखते हुए उनका विशेष तैयारी मैं करा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग तैयारी करते होंगे। देखिए, आज हम लोग समझेंगे संधि, हिंदी व्याकरण का संधि। उसके पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या आपकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही है? क्या आप घर पे बैठ के बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं? एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एक मंथ आप लोगों के पास बचा हुआ है। एक मंथ में आप लोग जितना पढ़ना है उतना पढ़ लीजिए। एक मंथ बाद कोई ये नहीं बोलने वाला रहेगा। आप खुद से अपना रिजल्ट देख के बहुत खुशी भी हो सकता है, बहुत दुखी भी हो सकता है, आपके हाथ में है। एक महीना पढ़ के अपने किस्मत को बदल दीजिए। ये माथा का जो लकीर है ना, उसको चेंज कर सकते हैं एक महीना के पढ़ाई में। आप पूरे साल नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, एक महीना तो पढ़ लीजिए। एक महीना अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप जिंदगी भर रोइएगा, जिंदगी भर, समझते हैं? अपना रिजल्ट देख के जिंदगी भर रोइएगा। रिजल्ट का जो परिणाम होता है ना, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। रिजल्ट जो आ गया वो आ गया, उस पर से अभी देखा गया तो आपका आधार कार्ड से रजिस्टर्ड करा रहा है, मैट्रिक का एग्जाम, 12th का एग्जाम, जो भी एग्जाम हो आपका आधार कार्ड से रजिस्टर करा रहा है, यानी कि आप दोबारा एग्जाम दे ही नहीं सकते हैं। तो आपके पास एक ही मौका है, सिंपल सी बात है, एक मौका है। आप अच्छा कर लीजिए या बेकार कर लीजिए, आपके हाथ में है। आपको मैं सलाह दे सकता हूँ, एडवाइज मैं दे सकता हूँ, आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक महीना बचा हुआ है, एक महीना पढ़ लीजिएगा, जिंदगी भर खुश रहिएगा। एक महीना नहीं पढ़िएगा, जिंदगी भर दुख रहिएगा। आपके हाथों में आपके किस्मत की लकीर है, उसे सुधार लीजिए। अभी मैंने बोला है ना कि है हिम्मत तो उसे पाकर दिखा, तो वही चीज है, आप लोग उसे पाकर दिखा लीजिए। अपना पूरा किस्मत बदल सकते हैं आप एक महीने में। इंटर ने बच्चे 1 फरवरी से आपका एग्जाम है और 10th वाले बच्चे 14 फरवरी से एग्जाम है। देखिए, मैं ट्रिक से ही बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। कोई कभी नहीं भी पढ़ा होगा ना संधि या कोई भी सब्जेक्ट। आप लोग कहते हैं, सोच रहे होंगे, सर आप लोग आप साइंस का कब कराइएगा, आप SST का कब कराइएगा, आप हिंदी का कब कराइएगा, आप मैथ करा कब कराइएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं सब चीज आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सब चीज समझते हैं, सब चीज का मतलब सब कुछ लेकर आऊंगा। वन शॉर्ट वीडियो का मतलब समझते हैं, एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा 1 से 1.5 घंटे का, हर सब्जेक्ट का, चाहे वो साइंस हो, SST हो, हिंदी हो या और सब्जेक्ट कोई भी हो। इंटर वाले बच्चों के लिए भी एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा एग्जाम से 1 दिन पहले। आप पहले ये तो देखिए, एग्जाम से 1 दिन पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करूंगा। एक वीडियो आप देख कर चले जाइएगा और मेरी बातें पूरी सुनकर चले जाइएगा। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का 80% किसी के बाप के रोकने से नहीं रुकने वाला है, आप समझ सकते हैं। एक वीडियो ही काफी है, विशाल सर हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, एक वीडियो काफी है। आप एक वीडियो देख लेते हैं एग्जाम के 1 दिन पहले, जो मैं अपलोड करूंगा एक वीडियो, समझिए बिहार बोर्ड के इतिहास में तहलका मचा देगा, एकदम समझिए छा जाएगा। आपका सपोर्ट अगर रहा ना, आप सबके साथ शेयर करिए, सबके साथ शेयर करिए, सबको मिले। मैं चाहता हूं बिहार का हर एक बच्चा पढ़े, हर एक बच्चा बढ़े, तो आप लोग सबको शेयर करिए। एग्जाम के 1 दिन पहले आप इंतजार करिएगा, मात्र 1 दिन पहले, आप लोगों को 24 घंटा पहले वो मैं जड़ी बूटी देने वाला हूं, वो जड़ी बूटी जो YouTube पे किसी ने नहीं दिया होगा, वो जड़ी बूटी मैं आप लोगों को घोल के पिला दूंगा, ध्यान रखिएगा।
अभी मैं हिंदी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि व्याकरण का मैं नहीं दूंगा, व्याकरण का नहीं दे पाऊंगा क्योंकि व्याकरण बहुत लंबा होता है, उसको डीपली समझना पड़ता है और बार बार याद करने के बाद भी बच्चे भूलते जाते हैं, इसलिए व्याकरण का मैं करा देता हूँ। और आपको ट्रिक वाइज ले चल रहा हूँ, आप लोग भी देखना कितना अच्छा से मैं बता रहा हूँ, आपके दिल में छप जा रहा होगा इतना अच्छा से बता रहा हूँ। और इधर देख लीजिए, एक वीडियो एक घंटे से डेढ़ घंटे का वीडियो होगा, आपके पूरे बिहार बोर्ड के इतिहास को बदल देगा, आपका रिजल्ट पूरा उसी वीडियो पे डिपेंड रहेगा। आगे आप तैयारी करते रहिए कि करते रहिए, कभी तैयारी में कमी मत करिए, पढ़ाई कभी खराबी नहीं करता है, आप जितना पढ़ेंगे ना, शिक्षा जितना लेंगे उतना आप दहाड़ेंगे, आपके हाथ में है, पढ़ाई जितना करिएगा ना उतना आप तहलका मचाइएगा। तो पढ़िए, आज से पढ़ाई में आप लोग मन लगाइए, साइंस SST हिंदी इंग्लिश संस्कृत कोई वीडियो के लिए चिंता नहीं करना है, एग्जाम से एक दिन पहले आप खोल के मेरा चैनल देखिएगा, जो एक से डेढ़ घंटे का वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ आपसे। YouTube पे बहुत सारे टीचर है जो बिजनेस बना के रख दिए हैं कि आपको PDF दिया जाएगा, पैसा दीजिए इतना PDF दिया जाएगा, ये क्लास करिए PDF दिए आपको मिलेगा, इतना रुपया दीजिए ये क्लास करिए, आप लोगों के लिए अप्लीकेशन लाए हैं लोग टीचर लोग, पैसा दीजिए अप्लीकेशन पर जुड़ के क्लास करिए। मैं आप लोगों से कोई चार्ज लेता हूँ? नहीं लेता हूँ। आप लोग पढ़िए ना, पढ़िए, मैं एकदम फ्री होके पढ़ाता हूँ आप लोगों के लिए, जी जान लगा के पढ़ाता हूँ, एक वीडियो आपके इतिहास को बदल देगा, ध्यान रखिएगा। यूट्यूब में उतना दमदार वीडियो कोई नहीं दिया होगा, आप इतना समझ लीजिए कि इतना बेटर वीडियो आपको मिलने वाला है एग्जाम से 24 घंटा पहले आपके आपके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप एक बार जरूर जाके देखिएगा। देखिए यहाँ पे संधि आते हैं, संधि व्याकरण का संधि जो होता है, देखिए अपने शब्दों में हम लिखे हैं, अपने शब्दों में, कहीं से कोई कॉपी नहीं, अपने शब्दों में, किताब में ऐसा नहीं मिलेगा। संधि दो वर्णों के जुड़ने से एक नया शब्द बनता है, उससे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के जुड़ने से एक नया शब्द बनता है जिसे हम संधि कहते हैं, एकदम दिमाग में छप जाएगा, दो वो वर्ण मिलेगा जुड़ेगा तो संधि बन जाएगा, समझे बात को? जैसे कि देखते हैं राम प्लस ईश्वर, राम प्लस ईश्वर मिलकर क्या बनता है? रामेश्वर। देखिए यहाँ पे यह विसर्ग और यहाँ का ई दोनों मिलके एकले बन गया, यहाँ पे रामेश्वर बन गया, रामचोर ईश्वर यानी रामेश्वर, एकले जो बना है ये दोनों के मिलने से बना है, यही दो वर्ण मिलके एक नया शब्द बना दिया, उसी को क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। आप लोग समझ गए? अब आपके मन में ये बात आता होगा कि सर यहाँ पे पढ़ाए थे वर्ण, वर्ण जब हम पढ़ाए थे तो वर्ण में दो गो था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण था ना, तो इसी तरह संधि का भी तो कुछ भेद होगा, कुछ काइंड्स होगा। तो देखिए यहाँ पे वर्ण, वर्ण कितने अक्षर का है? दो अक्षर का है, तो यहाँ पे कितना इसका भेद था? दो को भेद था। और यहाँ पे देखिए संधि, संधि कितने अक्षर का है? संधि देखिए, तो संधि ऐसे भी लिखते हैं और संधि ऐसे भी लिखते हैं, यानी संधि में एक दो तीन गो अक्षर है, संधि में तीन गो अक्षर है, तो संधि का भेद कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा, एकदम इजी से याद करा दिया। संधि में एक दो और तीन, संधि में तीन अक्षर है तो इसका भेद भी तीन रहेगा, याद कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए। वर्ण में दो गो अक्षर था तो वर्ण का भेद भी दो गो था, संधि में तीन गो अक्षर है तो संधि का भेद भी तीन है, भेद मतलब काइंड्स, आप लोग जानते हैं इंग्लिश में पढ़े होंगे व्याकरण में काइंड्स। तो देखिए तीन भेद होते हैं संधि के, तीन गो भेद होते हैं, कौन कौन सा होता है भाई? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दिमाग में फिट कर लीजिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीन गो भेद होता है। अब तीनों का कोई कोई डिफिनेशन होगा ना, कोई कोई परिभाषा होगा ना, देखिए अपना शब्द में लिख देने वाली याद कर लेना लोग, अपने शब्द में लिख दिया, कहीं कहीं भोजपुरी आ जाता है, अपना बिहार है ना कहीं आ जाता है। देखिए स्वर संधि, दो स्वर वर्ण के मिलने से एक नया शब्द बनता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। दो गो स्वर वर्ण के मिलने से एक नया शब्द बन जाता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। संधि मतलब जानते हैं जोड़ना, जोड़ संधि।
तो नया क्या हो जाता है, दो गो स्वर वर्ण के मिलने से एक नया शब्द बनता है जिसे संधि कहते हैं। यहाँ देखिए विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय, दो गो अ मिल जाए विद्या अमिल के अमिल के दो गो अमिल जाए ना, तो वो क्या बन गया विद्यालय, आकार वाला अ बन गया आ बन गया। उसी तरह विद्या जोर अर्थी विद्यार्थी, अमिल के विद्यार्थी बन गया, आकार बन गया यहाँ पे। तो आप लोग समझ गए ना, क्लियर समझ गए स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि। जब स्वर संधि आया है तो स्वर संधि का भी भेद होता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि स्वर स्वर संधि बताए हैं तो स्वर संधि का भी तो भेद होगा। तो स्वर संधि के पांच गो भेद होते हैं, पांच गो भेद कौन कौन से होते हैं देखिए यहाँ पे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। ट्रिक से याद करा देंगे, घबराने की कोई जरूरत है, ट्रिक बतलाने वाले हैं ना हम, ट्रिक बतला के आप लोगों को याद कराते हैं, याद हो जाएगा, हम बोल रहे हैं ना याद हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयाति अयादि संधि। नहीं याद हुआ, नहीं याद हुआ, कोई बात नहीं है हम है ना। देखिए यहाँ पे याद कर लीजिए वाई ए डी वी, यादव जी, यादव जी याद कर लीजिए, यादव जी, यादव जी इसमें पढ़ भी रहे होंगे लोग, यादव जी आप मन में छाप लीजिए एकदम। वाई से, वाई से देखिए तो यन संधि, वाई से यन संधि, ए से अयादि संधि, डी से दीर्घ संधि, वी से वृद्धि संधि और जी से गुण संधि। देखिए तो यादव जी, यादव जी एकदम याद हो गया, यादव जी सब, यादव जी को याद हो गया। चलिए देखिए सब यही है, इसके आगे का वीडियो आप लोगों को आगे वाले पार्ट में मिलेगा, अगला वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, इसके आगे क्या पढ़ाई हुआ है वो मिल जाएगा, यानी विसर्ग संधि व्यंजन संधि आप लोगों को अगला वीडियो। उम्मीद करता हूँ जितना मैं आप लोगों को बताया हुआ हूँ आपके दिल और दिमाग में छप गया होगा, अगर नहीं छपा तो एक बार और देख लीजिए, छप जाएगा आपके दिल और दिमाग में। देखिए विशाल गुप्ता जब तक जवान है बिहार बोर्ड परेशान है, आप नहीं मानिएगा बिहार बोर्ड का क्या क्वेश्चन आने वाला है, मैं बताऊं क्या क्वेश्चन आने वाला है अभी नहीं बताएंगे, एग्जाम से एक दिन पहले बताएंगे, आप जाके वीडियो जरूर देखिएगा, देखिएगा जरूर देखिएगा ना, लिख दीजिए वो क्या होगा देखिएगा, तो एक वीडियो काफी है बिहार बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन देख के सेकेंड सिटिंग में क्या आएगा वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, वो भी आप देखिएगा क्या आने वाला है वो एग्जैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन देखने के बाद सेकेंड सिटिंग वाले बच्चों के लिए, और फर्स्ट सिटिंग के बच्चों के लिए और सेकेंड सिटिंग के बच्चों के लिए दोनों के लिए 24 घंटा पहले, एग्जाम से 24 घंटे पहले यानी 24 आवर आप लोग ध्यान में रखिएगा, और बिहार बोर्ड के इतिहास में वैसा वीडियो आपको नहीं मिला होगा, एकदम फास्ट रिवाइज एक घंटे में, एक से डेढ़ घंटे का वीडियो होगा और पूरा बुक खत्म कर दूंगा मैं आप लोगों को, महासागर में पिला दूं और महासागर में से एक भी क्वेश्चन ना आए क्या फायदा, महासागर पूरा पीने से एक कप पानी पीजिए और वही पूरा कप आ जाए एग्जाम में तो वही ना फायदा करेगा आपके एग्जाम के लिए। बोलिए सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, अगर मेरी बातें अच्छी लग रही होगी तो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, सबके साथ शेयर करिए, सब कोई पढ़ ले, सब कोई बढ़े, सबको ये मिले एग्जाम से एक दिन पहले जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वो सबको मिले। और देखिए इसका जो आगे क्या है टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, अगर टेलीग्राम आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप मेरे ही चैनल के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन भी आप लोग चेक कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, तब तक के लिए जय हिंद।